लोग देख रहे हैं बाबी सितारे, मैं हूं मरियम खान और मेरे साथ मौजूद हैं आज एक नहीं दो लोग, आसिफ साहब जिनको आप जानते हैं जो कि हमारे साथ होते हैं। आज हमारे साथ जो हैं आपके सबके फेवरेट मुबशिर साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू यू बोथ। तो आज जो हमारे पास टॉपिक ये कि बेसिकली एस्ट्रोलॉजी जो है उस पर कितना यकीन करना चाहिए और अपने डिसीजन उसके ऊपर किस हद तक हमें रिलाय करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, तो ये मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूं। एस्ट्रोलॉजी पे तो बिल्कुल यानी एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी पे तो हम इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इनकी एस्ट्रोलॉजी पे ना इनकार कर रहा हूँ। अच्छा। मैं सिर्फ आसिफ साहब की नहीं, आसिफ साहब तो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, लेकिन जितने पाकिस्तान में लोग एस्ट्रोलॉजी बेच रहे हैं ना और कारोबार कर रहे हैं, उनमें अक्सरियत को एस्ट्रोलॉजी का पता ही नहीं। ये मैं कहूँ, ये क्या होता है कि ये गूगल पे जाते हैं, इंटरनेट पे बेशुमार किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, आप भी जाके गूगल करें, उस पर जाके अपना वो नेम डालें, वो प्लेस ऑफ बर्थ डालें और अपना ईयर डालें, वो आपको एक बना के दे देगा। बिल्कुल, बट दैट इज वेयर इट गोज रॉन्ग। सबसे पहले मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके चैंपियन से एक सवाल कर लूं। जरूर जरूर सर जी, टोटल कितने स्टार्स हैं हमारे सोलर सिस्टम पे? जो असर अंदाज है वो 12 हैं। तकरीबन 12, क्योंकि 3-4 और दरियाफ्त। एक नासा कहता है 13। अच्छा। और ये करते हैं 12 से हिसाब। इसका मतलब है एक महीने का हिसाब ही नहीं इनके पास। अच्छा, अब नासा ने क्या किया, उसने कहा कि मसलन मेरा कैप्रिकॉन है ना, वो कहते हैं 11 जनवरी के हिसाब से मेरा कैप्रिकॉन बनता ही नहीं। अच्छा। वो कहते हैं कि नहीं आपका ये नहीं है, क्योंकि एक नया स्टार यूसुफियच कुछ इस टाइप का मुश्किल सा नाम है उसका। अच्छा। वो उन्होंने ऐड कर दिया और हर स्टार में से 8 दिन निकाल दिए उन्होंने, तो वो तो आपका स्टार ही बदल जाता। स्टार बदल गया आपका। अब ये आप मुझे अभी आपके सामने कह रहे थे ना कि मरीख आ रहा है, पैसा पड़ाएगा, गुस्सा पड़ाएगा। अरे भाई, पैसा आएगा तो गुस्सा क्यों आएगा मुझे? यदि जिसके पास पैसा आता है वो खुश रहता है। बिल्कुल, वो किसी के गुस्से की परवाह भी नहीं करता। ठीक है ना। सही। और आजकल के दौर में तो बीवी खुश, बच्चे खुश, हमसाए खुश, काम करने वाले खुश, आपका पैसा हो। सही बात है। नहीं, सही बात है। इनके पास स्टार्स ही गलत है, ये 12 पे करते हैं जबकि टोटल 13 है। अब दूसरा मैं आपको फ्रॉड बताता हूँ, बहुत बड़ा फ्रॉड। देखे तकरीबन कितने 180 मिलियन लोग एक स्टार के नीचे होते हैं। अगर मैं 12 स्टार्स का भी हिसाब लेके चलूं तो ठीक है, तो मैं कैप्रिकॉन हूं, 1,80,00,000 अगर लोग यानी 18 करोड़ अगर लोग कैप्रिकॉन है, फर्ज करें। बिल्कुल। ये कैसे हो सकता है कि हर एक का दिन एक जैसा हो? एक जैसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो हर बंदे एक प्रिंस चार्ल्स की औलाद है, एक किसी बेचारे झुग्गी में कहीं पैदा हुआ है, एक तो सारों के दिन का शुरुआत ही डिफरेंट है। एक पानी लेने भाग रहा है, एक कुछ लेने जा रहा है, एक उठ के सोच रहा है मैंने जूस पीना है कि मैंने चाय पीनी है, उसके मसाइल ही डिफरेंट है जिंदगी में, सिचुएशन डिफरेंट है, बैकग्राउंड ही डिफरेंट है। अब उसमें क्या होता है जो ये नहीं बताते अक्सर, क्योंकि उसमें काम करना पड़ता है। माइंड तो नहीं कर रहे ना आपने मुझे गलत कह दिया, जहां पे मैं गलत अभी आपकी भी बारी आई है, आपको पूरा राइट है, आप गलत कह मुझे। असल फर्क डालता है असेंडेंट, एक सन साइन होता है, एक असेंडेंट होता है और उसके ऊपर एक मून साइन होता है। ठीक है। जब तक वो तीनों को आप एक साथ नहीं कैलकुलेट करते तो सही से किसी एक शख्स के मतलब बता ही नहीं सकते, वो फिर जनरल हो जाता है और वो जनरल में तो फिर कोई बात है। उसमें कहा आप बड़ा अच्छा टाइम आ रहा है जी, वो आ रहा है अच्छा टाइम, अच्छा वो क्या होगा भाई, अच्छा हो सकता है मेरे लिए अच्छा टाइम कुछ और हो, आपके जहन में अच्छा टाइम है कि मेरी सास घर पे रहेगी, आज नहीं रहेगी यहाँ पे, सास के लिए खाना नहीं पकाना पड़ेगा। मेरे लिए हो सकता है अच्छा टाइम हो कि मेरे दोस्त आ जाए मेरे घर, हर एक का वेरी करता है। बिल्कुल वेरी करता। तो ये जनरलाइज बातें करें, मैं जब कह रहा हूँ कि अगर आप उसको असेंडेंट और मून के साथ कैलकुलेट करते हैं क्यों फर्क पड़ता है, मैं आपको फर्क पर्सनलाइज हो जाता है। नहीं, मैं आपको फर्क बताता हूँ। आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या, चले मुझे ये बताइए, मैं आपको बताऊँ। मेरा जो है, जो अम्मी बताती हैं, वो 12 o'clock, 12:01 सुबह, सुबह 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 दोपहर के बाद, दोपहर के 12 बजे। अच्छा, आप 45 मिनट तक इसमें डिग्रीज जो है ना वो एक रहेंगी आपके असेंडेंट स्टार में, और 45 मिनट के बाद इसकी डिग्रियां फर्क हो जाएंगी। गो आप फर्ज करें कैप्रिकॉन है या लियो है, जो मर्जी क्या स्टार है, टॉरस है, लेकिन 45 मिनट के बाद वो टॉरस जो है ना उसका असेंडेंट फर्क पड़ जाएगा। अच्छा। अगर 12:45 पे आपकी बर्थ हुई है, लेट्स उन्होंने एक रफ आपको टाइम बताया, बिल्कुल रफ ही, तो आपका असेंडेंट ही फर्क हो जाएगा और उसकी डिग्री से उसका मून साइन फर्क हो जाएगा, मून साइन फर्क हो जाएगा। तो एक ही स्टार में होते हुए एक आदमी तेज तबीयत है और एक आदमी नरम तबीयत है, कैप्रिकॉन तो बड़े
नॉर्मल होते हैं तो मुबशर लुकमान को क्या हुआ? वो हुआ नहीं, वो डिग्रीज का फर्क है, वो कैलकुलेट नहीं किया। आप बताइए मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जी आप बहन की बात से तकरीबन 80% तक मुत्तफिक हूँ। शुक्र। एक इंसान के 3 साइन होते हैं, मून साइन और सन साइन और असेंडेंट। असेंडेंट से मुतल इन्होंने जो अपना ख्याल पेश किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और क्योंकि एक साइन जो होता है 30 दर्जों का होता है, 30 डिग्रियाँ होती हैं उसकी। जैसे आप जब आप पैदा हुई थी, मैंने आपका जायचा बनाया वह 12 o'clock का, आपका जो बर्थ साइन असेंडेंट है वो लियो है, ठीक है, 22 डिग्री समथिंग 21 डिग्री पे लियो है। अब जैसे 23 डिग्री पे लियो कुछ और होगा, 24 पे कुछ और होगा, इसी तरह जो रूलिंग प्लैनेट्स थे उस वक्त जो सितारे घूम रहे थे उनके मिजाज अलग अलग होंगे, वो मून के अंदर आ जाएंगे ना। और जहाँ तक वो 13वें सितारे का ताल्लुक है, तो जनाब हम जो हॉरोस्कोप बना रहे होते हैं ना, वो कदीम ज़माने कदीम के जो कानून है ना नजूम के, जैसे अल-बिरूनी था, अल-बिरूनी एक मुस्लिम साइंटिस्ट था, उसने हिंदुओं को आके वो पहले 12 पंडित मिलके एक जायचा बनाते थे। जब अल-बिरूनी गलत था ना, मैं आपको यही बताता हूँ, मैं वजह बताता हूँ क्यों। सैटर्न ने कितनी बार रेट्रोग्रेड होना है इस दफा, चले ये मुझे बताएं। इस साल में जी, इस साल में एक ही मरतबा रेट्रोग्रेड होगा, अब मई में दोबारा हो रहा है रेट्रोग्रेड, जरा हिसाब लगाएं दोबारा। यही मैं, अब जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा ना, चीखें निकल जाएंगी लोगों की। है वो 28 दिन के लिए, बहुत छोटा रेट्रोग्रेड टाइम है उसका, लेकिन उस 28 दिन में चीखें निकल जाएंगी। अब देखे नवाज शरीफ कैप्रिकॉन है ना, नवाज शरीफ का स्टार कैप्रिकॉन है ना, नवाज शरीफ का असेंडेंट और मून साइन जब उसके साथ कैलकुलेट करते हैं ना, कोई ताकत ही नहीं रोक सकती थी उसको जेल से बाहर निकलने के लिए, कोई केस नहीं रोक सकता था उसको। हम जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाते थे वो सिर्फ सन साइन देखते थे और कहते थे ये अंदर रहेंगे, ये रगड़ा खाएंगे। बाद में मुझे समझ आया, ओहो इसका तो असेंडेंट ही फर्क है, इसका मून साइन फर्क है, इसको तो रोक ही नहीं सकते ये लोग। अब सैटर्न दोबारा कैप्रिकॉर्न में रेट्रोग्रेशन हो रही थी, जिसको ये लोग 60 सती कहते हैं। जी 60 सती उस वक्त होती है जब 7 साल आपका मून, लेकिन 2-2.5 साल तो है ना रगड़ा पड़ा ना कैप्रिकॉर्न। जी जी, वो सर जब वो मून के ऊपर सैटर्न गुजरता है ना, 60 सती वहाँ से शुरू। हाँ, लेकिन अब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा था तो उससे क्या, हर काम आपका ठप हो जाता है, सुस्त हो जाता है। आपको किसी ने पैसे भी देने को कहता, अच्छा मैं 11 बजे आ रहा हूँ, वो 11:30 आप फोन करेंगे, मैं रास्ते में हूँ, मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ, 1:30 बज जाएंगे, 2 कामों में आ जाएंगे वो पैसे, लेकिन सुस्त नहीं, रुकावट नहीं, सुस्त हो जाएगा, स्लो हो जाएगा हर काम, सुस्त हो जाएगा। अब सारे कैप्रिकॉर्नियंस खुश बैठेंगे, जुपिटर तो मेरा साइन है और वो मेरे स्टार में आया हुआ है, अब धड़ाधड़ ये होना है ये होना है, ये पता ही नहीं कि सैटर्न ऊपर उल्टा चल रहा है, बीच में केतु साहब उसके इंजेक्ट हुए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास वो नॉलेज नहीं है, कॉमन मैन के पास नहीं है ना, ये नहीं लगाते हमारे पास है, ये नहीं लगाते, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स हैं अगर उन्होंने सब कुछ आपको बता दिया तो आप बार बार क्यों जाएंगी उधर। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब ये प्रोफेशनल्स होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। मुझसे साहब तकरीबन ठीक कह रहे हैं, तकरीबन मेरी गलत क्या बात है, मेरी ये गलत बात आपकी है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा मई में रेट्रोग्रेड होगा 28 दिन के लिए। जी कैप्रो नहीं सर, कैप्रिकॉन से निकलेगा वापस आएगा ना, एक सेकंड मैं वजह बता, अच्छा अब एक मिनट, एक्वेरियस में जाएगा ना, एक मिनट, एक्वेरियस में गया ना, गया ना, सैटर्न तो सबसे स्लो स्टार है ना, उसमें वो तो बड़े आराम से मूव करता है ना, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल जैसे राहु वैसा मूव करते हैं, बिल्कुल आराम आराम से देख देख के फूंक फूंक के, है ना। अब जब वो रेट्रोग्रेड होगा ना तो वो एक्वेरियस फॉरन कैप्रिकॉन के बाद वाला स्टार है ना, वो वापस कैप्रिकॉन में आएगा। जी जी, वो कहीं और नहीं जाएगा, मालूम है वो जुलाई में आएगा। और मैं क्या कह रहा हूँ, वो गलत है, मुझे कह दी। और यही वक्त है जो आप नवाज शरीफ साहब के बारे में फरमा रहे थे, आपकी जो पेशन वो ये दुरुस्त साबित हो सकती है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसलिए, अच्छा अब मुझे बताएं कि 7 स्टार्स एक स्टार के अंदर अलाइंड हैं और उस स्टार वाले चीखें क्यों मार रहे हैं। सर मुझे पहले थोड़ा एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाएगा। सबसे पहली बात है कि ज़माने कदीम में जायचा जब बनाया जाता था ना, वो 7 सितारों का था, ठीक है फिर उसके बाद जो एस्ट्रोलॉजी है वो हिंदुओं के हाथ चढ़ी, उन्होंने इसमें राहु और केतु एंटर कर दिए, जो स्टार नहीं है, राहु जमीन का शेड और केतु चांद का शेड है, ये स्टार्स नहीं है, ठीक है। ये हो गए 9 हिंदू 9 सितारों का जायचा बना रहे थे, ठीक है, अल-बिरूनी के बाद तक की बात है। और इसके बाद 3 स्टार और मदार में आए, हमारे सोलर सिस्टम में इंटर हुए, प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून। सबसे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दे दें आप दोनों साहिबान,
कि इंसान लाखों बरस से है, करोड़ों बरस से है, उसने ऐसी तरक्की नहीं की जैसी तरक्की इन 300 सालों में शुरू हुई थी। जब प्लूटो इंटर हुआ तो उस वक्त के जो मुनजमीन थे, जो राहिब थे चर्चों के, उन्होंने कहा कि ये जदीद इनकलाबात और खूनी इनकलाब और इज्तमाई मवाद का सितारा है प्लूटो, लाइक मार्स। दुनिया में ऐसी ऐसी जंगें आने वाली हैं कि रहे नाम अल्लाह का। उसके बाद फिर जब यूरेनस इंटर हुआ तो उन्होंने कहा ये जदीद इजादात इख्तराहत होंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें इंसान ईजाद करेगा कि जो उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगी। उसके बाद नेपच्यून इंटर हुआ तो नेपच्यून के बारे में ये था कि लाइक जुपिटर है, कि इंसान में अच्छी रूहानियत तो बुजुर्गी भी लाता है, धोखा फ्रेब, तरह तरह के नशे लाता है। अब सवाल की तरफ दोबारा आ रहा हूँ। जब ये आप ये 13वें सितारे के बारे में फरमा रहे हैं कि इन्होंने आके टाइम को छोटा कर दिया, और 13वां सितारा आके अपने कुछ असर तो दिखा रहा होगा, टाइम छोटा नहीं हो सकता क्योंकि सितारों की रफ्तारें कभी आगे पीछे किसी कह रहा हूँ। उसके उसका जो सन साइन के एस्पेक्ट है ना वो बदल जाते हैं ना आपके। अब दूसरी बात ये है, दूसरी बात सबसे बड़ी बात तो मेरा मतलब है कि आप निकाल रहे हैं मसलन आप टॉरस, आप निकाल जी, जी। आप टॉरस के कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल रहे हैं और आप कस्प के करीब पैदा हुई हैं, फर्ज करें आप 21 तारीख को पैदा हुई हैं, नॉट 23 तारीख, 23 तारीख में तो कस्प है। अब वो पता चलेगा आखिरी 7 दिन उसके भी निकल गए तो आपका टॉरस से देखना ही नहीं, आपका देखना ही लिब्रा से है। तो जो जो आपको बताएंगे आप डिप्रेशन में रहेंगे, ये मेरी सास तो घर ही नहीं जा रही, देखिए मेरा तो स्टार ये कह रहे हैं, नहीं भाई ये नहीं है ना, स्टार ही गलत ले रहे हैं। अच्छा फिर उसके साथ जब तक सही डिग्रीज का असेंडेंट नहीं आएगा, जब तक एग्जैक्ट डिग्री का, अच्छा अब आप एक है कि मैं कह दूं कि जी मेरे स्टार में केतु आया हुआ है या मेरे स्टार में राहु आया हुआ है या मेरे स्टार में सैटर्न है, कितने डिग्रीज पे है? क्योंकि जितने ज्यादा डिग्रीज होगा उतना वो कम असर करेगा। अगर वो फंस कर 20 डिग्री पे है ना तो उसका कोई असर नहीं होना। अच्छा अगर वो 4 डिग्री पे है ना तो रज के असर करेगा, वो 12 के बाद उसका असर जो है ना जाहिर होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, वो हिसाब तो बताए ना, क्योंकि अब जब हम टीवी पे बात करते हैं और लोग हमें कॉलिंग कर रहे होते हैं कि जी मुझे बताएं मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है, ये जैसे फीफा को शौक है वो एकदम सामिया खान को पूछती है कि बताएं, कहती है अच्छा बताओ जानी अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ बताइए, ये बताए। हाँ डिग्रीज नहीं कैलकुलेट हुई मतलब, तो वो फीफा परेशान ही रहेगी कि अच्छा फैसल ने फिर खाना बाहर खाना है, ये नहीं होता इस तरह। इंडिविजुअलिटी पे बात हो रही है कि इंडिविजुअली जो है वो बेसिकली कितना इफेक्टिव है, अगर आप उसको उसमें नहीं जा रहे डिटेल में, कैलकुलेट नहीं कर रहे, तो वो किस तरह से हमें पता चलेगा कि मेरा क्या है और मेरे पता ही नहीं चलेगा सही। ये सारे अच्छा बैठ के अब ये मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते हम। दुनिया में जंगें होंगी बड़ी खौफनाक, रहे नाम अल्लाह का। भाई मैं आज प्रेडिक्शन दे देता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में ऐसी इनकलाबी तब्दीलियां आनी है कि रहेगा नाम अल्लाह का, वो 3000 साल बाद आती है, 2000 साल, ये तो कोई प्रेडिक्शन ही नहीं है ना, ये तो कोई प्रेडिक्शन ही है, तो एक जनरल एक बेकार सी स्टेटमेंट है। या तो मैं कहूं कि 3000 साल तक PMLN हुकूमत में रहेगी और इस तारीख को उसकी हुकूमत खत्म होगी, फिर तो वो प्रेडिक्शन है बिल्कुल, वरना तो वो प्रेडिक्शन नहीं। कि मैंने कहा था नवाज शरीफ आएंगे वापस, और वो तो वैसे भी जो इस चीज में होते हैं सारे पॉलिटिशियन वगैरह उनको वैसे ही पता होता है कि वो आगे दौर कहां जा रहा है, वो वैसे ही नजर आ रहा होता है। लेट मी से व्हाट आई एम सेइंग, मैं कह रहा हूं कि ये इल्म है, इस इल्म से इंकार नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं ये इल्म बड़ा एक्यूरेट हो सकता है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि ये हमें एतबार नहीं कि यहां पे जो इल्म इस्तेमाल करने वाले हैं वो अपनी पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते, और वो सिर्फ कार्रवाई तो नहीं करते। इसमें एक और चीज ऐड कर लें, इसमें न्यूमरोलॉजी ऐड कर लें, जो न्यूमरो एस्ट्रोलॉजिस्ट होता है ना वो बड़ा खौफनाक हद तक एक्यूरेट होता है। अच्छा, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ के वो नंबर्स कैलकुलेट करेगा, आपके नामों से नंबर कैलकुलेट करेगा, और वो एग्जैक्टली आपको बताएगा कि आने वाले दिनों में आपको कोर्ट केसेस होंगे, आने वाले दिनों में ये होगा या इनसे रिलीफ मिलेगा ये, क्योंकि ये एक कमी जहां पे रह जाती है अगर एक इल्म में तो दूसरा इल्म जो उसको कवर करता है ना, पता नहीं आप एग्री करेंगे जी। इल्म आदात का जहां तक सवाल है तो ये चंगेज खान ने तकरीबन फना ही कर दिया था, कली बे पे या ABC के थोड़े बहुत आदाद हैं वो चलने में, इससे मुतफिक नहीं हूँ। अलबत्त डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ उसमें एक्यूरेसी होती है, न्यूमरोलॉजी से मैं मुतफिक नहीं हूँ। अच्छा, आप उसको वो नहीं करते? देखिए आप डेट ऑफ बर्थ को ले लें, अब आज जो तारीख है असल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा हुए इतना अरसा गुजर गई उसको शो करिए, कोई कायनात के आगाज़ की तारीख नहीं है कि जी कायनात जब अल्लाह ने रूलिंग शुरू की थी ये वहाँ के वहाँ से डेट। अब प्रॉब्लम है ना भाईजान, फिर बैठ के पाकिस्तान के मुतालिक कैसे फाल निकाल रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान के हालात ऐसे होंगे,
क्योंकि पाकिस्तान की जो डेट ऑफ बर्थ डेट से ही आप निकालेंगे ना नंबर्स में ही आएगा नंबर्स ही हैं डेट ऑफ बर्थ तक अगर पाकिस्तान लियो है 14 अगस्त तो इंडिया भी लियो है 15 अगस्त तो फिर दोनों में इतना फर्क क्योंकि एक ही क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत रही है और एक ही क्रिकेट टीम जो है वो बांग्लादेश के आगे स्ट्रगल कर रही है नहीं भाई वो उनका टाइम उनका मून उनका असेंडेंट वो सब फर्क है और फिर नंबर्स जो है ना वो आके उसको डिफरेंट एक स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं आप क्या कहेंगे इस पर जी इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नंबर्स हैं वो नॉलेज एक अलग चीज़ है एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट मैं कह रहा हूँ दोनों को कंबाइन कर लें तो बड़ी अच्छी नॉलेज है ये तो ऐसा हुआ जैसे आपने दो मसाले इकट्ठे कर दिए ऐसा तो नहीं हो सकता लेकिन दोनों नॉलेज अलग अलग है मतलब बात हमारे कंक्लूजन इसी बात पे हो रहा है कि ये नॉलेज है बिल्कुल है। और इसमें कोई शक नहीं है लेकिन बस ये है कि हमें उसको एक्यूरेसी और उसमें दो नंबर ही नहीं करनी चाहिए कि जनरलाइज करें उसके अंदर जो है करवाते हैं और करते लोग जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं जल्दी से ठीक कर दो हमें बिल्कुल दूसरा एक दो नंबर ही जो है जो कुफर है जो शिर्क है जो कुफर है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर से ये समझे कि यार वो हालात चेंज कर देगा वो तो सिर्फ अल्लाह कर सकते हैं वो तो इंसान नहीं कर सकता वो तो आपको एक जनरल ट्रेंड बता सकते तो उसको उतना ही रखें उसको उस हद तक ही रखना चाहिए थैंक यू आप लोग देखते रहिए हमारा प्रोग्राम नेक्स्ट शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी हमारे चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा अंटिल नेक्स्ट टाइम खुदा हाफिज़